big. Oh my, yo. It's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. अरे पूर्णी का पक्का यही रास्ता है ना? And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be. I tell you how I feel, got me sipping every night. Sipping on that in, I don't feel up right. I take these drugs just to get it on my mind. So, welcome back, Venom Army. आज का यार ये सीन है कि हम लोग यार जम्मू में राइड पे निकले, संडे राइड है एंड सुबह सुबह भी देख रहे हो ठीक ठाक लोग घूम रहे हैं आसपास एंड हमारे साथ है अमित भाई एंड ये चलाते हैं ड्यूक 200। तो यार संडे राइड का थोड़ा सीन बताता हूँ आप लोगों को, क्या सीन है यार संडे राइड का। खैर हम लोग जाने वाले हैं सुंदरबनी, जो जम्मू वाले लोगों के उनको पता होगा कि यार सुंदरबनी अखनूर वाले साइड पे आता है एंड हम वहाँ पे बेसिकली यार लीन वगैरह करने जा रहे हैं, लीन की प्रैक्टिस। एंड दैट्स व्हाई आज मैंने ये वाले गार्ड जो हैं ये भी पहन के आया हूँ, ताकि अगर नी टच हो जाए तो भाई मेरी टांग बच जाए और गार्ड पे लग जाए। तो यार अमित भाई से पूछेंगे कि उनके टायर कौन से हैं भाई आपके? मैंने अपोलो अल्फा H1। अच्छा अपोलो अल्फा H1 के यार इनके टायर चले हैं, तो लीन के लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टायर्स हैं। और जिन लोगों को नहीं पता भाई, जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, राइडिंग जैकेट पहन के आना राइड पे बहुत हेक्टिक हो जाता है, इतने पसीने आ जाते हैं ना भाई। हाँ अभी फिर भी ठीक है, सुबह का टाइम है तो ठीक है टेम्परेचर, नहीं तो ऐसे बहुत ही ज्यादा गर्मी रहती है, 45 डिग्री यहाँ पे आराम से चले जाता है दिन में। अभी दोपहर का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे दोपहर का भी बीच में करेंगे एक्सपीरियंस शेयर कैसा रहता है। तो यार रास्ते में हम लोगों को मिलने वाले हैं साहिल भैया, नितिन भैया आने वाले हैं यहाँ पे अपनी ड्यूक 250 पे। तो साहिल भैया हमें अपनी V3 पर ही मिलेंगे और अक्षय भैया भी शायद आ ही रहे हैं ना। चलो हम टोटल 5 बंदे हैं एंड आज यार अलग ही लेवल का, कितना शोर मचाते हैं ऑटो वाले। सर आज अलग ही लेवल का भाई मजा आने वाला है राइड पे। ऐसे जम्मू में राइडिंग गियर्स पहन के आप जहाँ भी खड़े हो जाओगे ना एलियन मानेंगे बोलेंगे भाई ये एलियन आ चुका है यहाँ पे जादू ये धरती पे भी सब ये कौन से प्लेनेट से आए हैं ये भाई जम्मू में तो अलग टाइप के रिएक्शन, मतलब आपको सुपर बाइक भी नहीं चाहिए ना, नॉर्मल बाइक पे राइडिंग गियर पहन लो वो जा रहा जादू भाई। तो भाई यहाँ का ये सीन है, तो अब मिलते हैं थोड़ा आगे चल के। एक सैना ओ यार एक अमीर लोग एक्सचेंज करवाना है इसको बोलते हैं राइडर अमीरी टैग नहीं सारे यार अरे फ्रेंड भी है टेस्ट कराना साला मेरी बाह ही दर्द ही है। चले फिर चलो ओके। तो भाई लोग नितिन भाई आ चुके हैं, हम निकलते हैं और आज चमकने वाली जम्मू में जहाँ हेलमेट दिखे पकड़ लो। अबे साले। तो भाई अब हम आ चुके हैं रिंग रोड पे, जो कि अखनूर रोड से कनेक्ट होता है एंड वहीं से सुंदरबनी का रास्ता आता है। तो भाई बहुत ही प्यार हो रहे हैं, मेरे जितने भी शूट्स होते हैं सारे इसी रोड पे होते हैं एंड नितिन भाई बकचोदी करते हुए नगर पालिका को बुलाओ ओ ओ भाई ओ ओ भाई हमारा भाई ऑलमोस्ट नीचे गिर गया था। तो भाई हमारे को थंबनेल दिया है नितिन भाई ने आज का, नितिन भाई का इंस्टाग्राम लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, फॉलो कर लेना भाई को। तो भाई लोग जो ये आप देख रहे हो इसको बोलते हैं मैटाडोर, बहुत ही ज़्यादा मेजॉरिटी में ये गाड़ी आपको जम्मू कश्मीर में मिलेंगी एंड ये गाड़ियाँ जो है ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम आती है लोगों के, और हम बाइकर्स यहाँ पे नाके पे फंस रखे हैं भाई, सीनरी देखो एपिक। तो भाई हम लोग साहिल भैया का वेट कर रहे हैं एंड साहिल भैया थोड़ा लेट हो गए हैं, पता नहीं कब आएंगे।
लगता है बहुत ही लेट हो गए। तो ये हमारे नितिन भाई है। ओ भाई, ओ भाई, इतना रह गया साइलेंसर से, इतना पीरो ड्राइवर। तो भाई किसी को AGV हेलमेट चाहिए होगा, DM him। हाँ, DM कर दो। मैंने बहुत तगड़ा क्वालिटी का AGV मंगाता हूँ और दिखाता हूँ किस लेवल का। देखो ये देखो, देख रहे हो, ये देखो, ये क्या हो गया? हेलमेट के भाई दो टुकड़े हो गए, ये क्या था? If you need any kind of this helmet, you can DM him personally। तो भाई ये लेट हो चुका है बंदा, डार्क स्पेक्टर लेट लगी भाई, पास नहीं आऊंगा, दिख जाएगा यहाँ से, दिख रहा चेहरा। तो भाई राइड शुरू हो चुकी है, no Tabasco, but I'm so stuck, that's a fact, yo, and if you think I'm frontin', you can run it back, yo, go on, run it back, you know that I run it, everything you wanna do, I already done it, and I got your little boo telling me she love me, I got this one, that one, damn, it's gonna be a long night, yeah, you know, I said, damn, it's gonna be a long night. Shorty, drop it for a real one. Yep. Go ahead and pop it, let me feel some. Let me feel some. Do it for the boy with a bag, yeah, now. Movie star money making everybody act out. Hey. I don't lie to these women, if I want them, then I tell them. Don't get fly for these women, I was born with these propellers. All my haters cannot beat me, so I call them acapellas. See, I'm only getting better, you only get jealous. You know that I run it. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. You know, I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. It was at this moment that he knew. He fucked up. ओ भाई गया था आज में, रिकॉर्ड हो गया। ओ भाई, ओ भाई, ओ भाई, क्या हो गया? ये खड्डा आया, मेरी बाइक खाई। आराम से चलो यार, कोई बात नहीं, चले। क्या 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 है? क्या हुआ, जाना कहाँ है, किधर जाना है? इधर जाना है, अरे पोनी का पक्का यही रास्ता है ना। अरे इसकी ब्रेक तो टूट गई, खत्म हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, फ्रंट और गियर पे चलाओ ना। तो भाई हम पोनी पहुंच चुके हैं, एंड सीन यहां का है कि कहीं रुक जाएंगे थोड़ा खाने पीने के लिए, बाकी तो अभी तक राइड बढ़िया रही है, बहुत ही तगड़े लीन्स आए हैं रास्ते में। नहीं नहीं ऐसे बस यहां पे गए हैं। ठीक है ठीक है भाई, लोग यहां किधर रुक गए भाई? ये इन्होंने हमें सब्सक्राइब तो किया ही नहीं आप लोगों ने, नीचे लाल बटन दबा दो यार। ये डार्क स्पेक्टर, ये करण, हां थोड़ी रास्ता निकालना। अरे हम तो आराम से चलाते हैं, तेज कौन चलाएगा? चले। तो भाई यहाँ का सीन है, कुछ खाने पीने के लिए रुकेंगे,
बाकी ये जो है मैं अमित भाई की अभी ड्यूक चला रहा हूँ। व्यू देख रहे हो आप लोग जम्मू कश्मीर के अलावा, यार आपको ऐसा व्यू कहीं पर नहीं मिलने वाला, इतना अलग ही लेवल का एपिक व्यू है। और भाई जब हमारे पास बढ़िया बाइकें हो, बढ़िया बाइकर साथ में हो यार, और क्या चाहिए यार, जिंदगी तो भाई सफल हो जाती है, लिटरली कह रहा हूँ। अगर यार हर संडे यार आप लोग एक राइड करोगे ना, बाइक राइड मस्ट है, सारी टेंशन सारी थकान सब कुछ दूर हो जाता है यार, कुछ नहीं चाहिए और एक राइड बस। और भाई दूर से देखो यार कितना सेक्सी लग रहा है हमारा स्क्वाड। हम कहीं रुकने वाले थे बट इतना मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में कि साला आगे निकल गए हम लोग, तो वापस चल रहे। स्टोरी लेते हैं तो भाई अब सीन ये है कि हम लोग वापस जा रहे हैं, खाना पीना खा के वापस जा रहे हैं, एंड रास्ते में रुक के कहीं फोटोशूट वगैरह करेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड मिलते हैं आगे। ओ भाई लोकेशन देख रहे हो, एपिक लेवल की लोकेशन है भाई, ये जा रही नदी और ये अभी मैं चला रहा हूँ यार ड्यूक 250 जो कि है हमारे नितिन भाई की गियर शिफ्टर की, तो भाई अलग ही लेवल का फील आ रहा है क्योंकि जो लीन मारने में नेकेड बाइक्स में अलग ही मज़ा है और फेड बाइक्स में तो आता ही आता है बट स्टिल नेकेड में अलग ही लेवल का मज़ा आ जाता है भयंकर। तो शायद सर हम यहाँ पे फोटोज़ लेने वाले हैं एंड जो फोटोज़ है तो जो फोटोज़ है आप लोगों को इंस्टाग्राम के मेरे लिंक में मिल जाएंगे। और ये डार्क स्पेक्टर व्हीली ट्राई करते हुए तो आपको इंस्टाग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे फॉलो कर लो और फोटोज़ यहाँ की जो है आपको मिल जाएंगी। तो डार्क स्पेक्टर फिर से व्हीली ट्राई करते हुए तो भाई वो देखो वो रहे हमारे अमित भाई ड्यूक अपनी 200 पे। और अरे आपको कौन नहीं जानता गियर शिफ्टर और डार्क स्पेक्टर। चलो चले पहले तो बाइक उठाओ भाई अपने अपने। चल बड़े। हाँ भैया। हाँ निकल रहे। यार एक स्टैंड तो दिखा दो, उठाते हो आप यार, हम इतनी दूर से देखने के लिए आए हैं, एक दो दिखा दो। भैया हम भी यहीं के हैं, 10 किलोमीटर दूर बस पास में ही है, अगर आते रहते हर संडे आते हैं, अगले संडे भी दिखा देंगे। अभी तो दिखा दो ना, हमने देखा ही नहीं है। हाँ एक स्टैंड दिखा दो। अरे आपको ना यूट्यूब का एक लिंक भेजूंगा भैया, उसमें देख ले, मैं डाल दूंगा सारा उसमें। हमारे पास कुछ लोकल्स मिल चुके हैं एंड लोकल्स को भाई चाहिए व्हीली या स्टैंड कुछ चाहिए, मैं शक्ल नहीं दिखा सकता वापस साहिल भैया की, बाकी आप लोग समझ ही गए होंगे। तो दिक्कत ये आ रही है, दिक्कत क्या आ रही है,
भैया यार अब स्टैंड हम किसी पब्लिक के लिए ऐसे करते नहीं है, बस अपने मजे के लिए करते हैं, तो ये सीन है हमारा। तो जब मन करता है, अच्छा लगता है यार कि यार पॉजिटिव फीलिंग आती है, तब हम आराम से स्टैंड करते हैं। एंड मेरा फ्यूल भी कम हो रहा है साथ साथ। लोकल्स का क्या कर सकते हैं, स्टैंड देखना है लोकल्स को। इनकी भी कोई गलती नहीं, क्योंकि यार स्टंट रोज रोज यहाँ पे कोई होता नहीं है। एंड जहाँ तक कि हमारी बात है, हम तो थोड़ा बहुत यार बस व्हीली वगैरह के प्रैक्टिस कर रहे थे और शूट वगैरह कर रहे थे। आपको वो हमारे इंस्टाग्राम के लिंक में मिल जाएगा, वो इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप ज़रूर चेक करें। एंड ये रहा डार्क स्पेक्टर, वो रहा डार्क स्पेक्टर एक्सपोज हो गए। तो कुछ लोगों ने हमारे डार्क स्पेक्टर को देख लिया है। एंड वैसे तो बताएंगे किसी को नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। बाइक पे छोड़ दे मेरे। हैं? इस पे कहाँ बैठोगे? इस पे ना टूट जाएगा पीछे वाला हिस्सा। हाँ क्या YouTube पे? अच्छा देखते रहते हो क्या? चलो बढ़िया, आपकी वीडियो आ जाएगी, डाल दूंगा, आपका भी डाल दूंगा भैया उसमें। चलो ओके भैया। तो भाई अब सीन ये है कि हम लोग जो है वापस निकल गए हैं, तो यहाँ पे पानी वानी पीने आए हैं। एंड ये हमारी बाइक्स हैं। तो भाई बहुत सारी तगड़ी चीज़ें हुई, पहला तो पुलिस ने पकड़ा, दूसरा भाई क्रैश होते होते बचा, तीसरा चीज़ भाई हमारे डार्क स्पेक्टर भाई को कुछ लोगों ने देख लिया बट एक्सपोज होने होते होते बचे हैं। तो भाई वापस आते हुए बहुत लीन जाने वाले हैं। अगर आपको यार इस टाइप की वीडियोज़ पसंद आ रही है, मुझे यार एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ कि भाई यार ये वीडियो पसंद आ रही है, तो आती रहेंगी ऐसी वीडियोज़। और कुछ और सजेशन देना है वो भी कमेंट में कर सकते हो, मैं देखता रहता हूँ सब कमेंट्स। तो बहुत सारे रिएक्शंस भी मिले, बहुत बढ़िया था। तो यार अब अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।